नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीला वस्त्र धारण करने पर भी होगा गांव का विकास। जसरा के अंतर्गत देवरिया ग्राम प्रधान गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए राजीव गिरी ने मात्र 21 वर्ष में अपने ग्राम सभा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हुए कई कार्य किए। चाहे वह गाँव के विकास के लिए आवास हो या शौचालय, सड़क आदि, प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी मैं केवल 13 सड़क, मॉडल पंचायत भवन, लगभग 20 लाख रुपए का खेल मैदान ही बनवा पाया। अभी और गाँव का विकास करना है। इसके उपरांत ग्रामीणों ने कहा कि हमारे ग्राम प्रधान एक संत हैं, जो ग्राम के विकास के लिए यह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिए हुए हैं। हमारे गांव का विकास 25 वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा, जो हमारे संत रूपी प्रधान कर रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, यह हमारे गाँव देवरिया का नाम ब्लॉक से ऊपर जिला एवं देश प्रदेश में अपनी ख्याति इनके बैनर तले अपना नाम रोशन करेगा। दूसरी तरफ गाँव में ओपन जिम बनाने से युवा पीढ़ी में खुशी का माहौल व्याप्त है। मीडिया द्वारा प्रधान से जानकारी लेने पर एवं प्रधान द्वारा पीला वस्त्र धारण करके ग्राम का विकास के बारे में जानकारी लेने पर प्रधान ने कहा कि यदि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीला वस्त्र धारण कर आतंकवाद एवं माफियाओं को जेल की हवा खिला सकते हैं, तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम पीला वस्त्र धारण कर राक्षसों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो मैं तो उनके निमित्त उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने गांव का विकास अपने गांव तक ही नहीं जिला देश प्रदेश में करने का संकल्प इस ब्रह्मचर्य रूपी जीवन में करना चाहता। क्या आप मीडिया के सामने आप लोग जानकारी देना चाहेंगे कि आपके गांव क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हो रहा है, अथवा गांव में क्या कमियां, अथवा प्रधान द्वारा क्या कार्य करवाया जा रहा है? हाँ जी, जो कि हमारे गांव के नवयुवक प्रधान हैं, जो कि मात्र 21 साल के हैं, राजीव गिरी महंत, उन्होंने अभी तक जो कार्य नहीं हुआ है वो उन्होंने किया है। जैसे कि खेल मैदान बनवा रहे हैं गाँव में, घर घर सड़क बनवा रहे हैं, अभी नाली का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पंचायत भवन बनवा रहे हैं, सबको जो फैसिलिटी अब तक नहीं मिली है वो दे रहे हैं सबको, और पूरी माने जो अब तक नहीं हुआ है, कोई भी प्रदान अभी तक नहीं कर पाया है पहले से, आज़ादी के बाद से, वो अब तक हो रहा है। माने कि पूरा, जैसे कि जिन जिन की समस्याएँ सॉल्व नहीं हो रही थी वो कर रहे हैं प्रधान जी। तो क्या आपको देखा जाए तो एक प्रकार से आपको पूर्ण भरोसा है कि प्रधान जी द्वारा ही आपके गांव का विकास संभव हो पाएगा? विश्वास है कि जब तक ये रहेंगे प्रधान तब तक देखा जा रहा है कि आपके ग्राम प्रधान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो ये तो देखने में एक संत लग रहे हैं, फिर भी आपको कैसे भरोसा है कि ये गांव का विकास करेंगे? जब तक ये रहेंगे तब तक पूर्ण विश्वास है कि सब काम हो जाएंगे। आपको कुल मिलाकर एक संत पे भरोसा है कि वो जो है गांव का विकास करेंगे। चलिए हम प्रधान जी से जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रधान जी, जैसा कि पब्लिक आपके बारे में बोल रही, तो क्या आप कुछ जानकारी गांव क्षेत्र के बारे में देना चाहेंगे? जैसे किस प्रकार की जानकारी आप लेंगे? जैसे अभी आपके ग्राम सभा के लोगों का आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि आप गांव क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, परंतु जैसा कि वेशभूषा से देखा जा रहा है कि आप एक संत हैं, तो संत होते हुए आप किस प्रकार से गाँव का विकास करेंगे? संत से अच्छा विकास कोई कर ही नहीं सकता। प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जीरो टॉलरेंस की नीति से उन्होंने प्रदेश में विकास किया है। आज पूरा गुंडा राज, माफिया राज खत्म कर दिया। तो राजा रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी ने भी कहा था, एक सन्यासी से अच्छा राजा हो ही नहीं सकता जी। तो मुझ पर यकीन है जी, और मेरा गांव ब्लॉक के 63 नंबर पे था, आज पहले नंबर पे जी। तो मुझे काम करना है और काम करता रहूंगा। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि 63वें नंबर सबसे लास्ट शायद आपका नंबर था और उसमें सबसे पहला नंबर आप लेकर आए। महज चार महीने में जी। तो आगे हमको लग रहा है इस पांच वर्षों में आप अपने गांव का नाम जो है ब्लॉक क्या है, तहसील और जिले में नाम रोशन करेंगे। जिला तो निमित्त मात्र है, मुझे प्रदेश में स्थापित करना है कि देवरिया गांव। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस गांव को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाना जी। धन्यवाद। तो क्या आप योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं या करने का तरीका अलग है? महज 5 साल ही प्रधान रहूंगा, इसके बाद राजनीति कभी नहीं करूँगा जी। धन्यवाद। सबसे मॉडल, इसमें हर वो हाईटेक सुविधा होगी जो एक गांव में होनी चाहिए, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, ये मेरा
गांव वालों से वादा, जिसमें से सड़क, बिजली मैंने पहुंचा दी है, शिक्षा और पानी, इन दो चीज़ों पर मेरा वर्क चल रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करना है और मैं कर रहा हूँ। बात की जाए यहाँ पे इस विधानसभा की, सबसे बेहतरीन रिंग रोड बन रही है 1.5 करोड़ रुपए, जो पूरे विधानसभा के लिए एक मॉडल सड़क हुई। आप बहुत कम उम्र में पीला वस्त्र धारण कर और ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं, तो इसका क्या रहस्य है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे मीडिया के सामने? से हारा हुआ इंसान था, इसलिए पीला वस्त्र पे आया और आगे भी जाऊंगा इसी पे। जिंदगी में किस प्रकार से आप हारे, इसके बारे में थोड़ा मीडिया के सामने? मेरी पर्सनल जिंदगियों का मामला था, इसलिए वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता जी। लेकिन जिस पद पे मैं हूँ, इसका पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा, पूरे निष्ठा से। आज तो ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि जिंदगी से आप हारे नहीं हैं, बल्कि जिंदगी में आप जीते हुए प्रत्याशी हैं। आपको ग्राम सभा के लोगों ने चुनकर जिताया है, फिर आप हारे हुए क्यों अपने आप को बोल रहे हैं? होता है, बहुत हंसता हुआ इंसान अंदर से उदास होता है। मैं महसूस करता हूँ, वो कोई और महसूस नहीं कर सकता जी। तो आपका शुभ नाम? राजीव गिरी। उम्र आपकी लगभग कितनी होगी? 21 साल मात्र। आप महज 21 वर्षों में आप अपने गांव क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और जैसा कि आपके ग्रामीणों द्वारा भी जानकारी मिली कि हमारा गांव सर्वोत्तम है और उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। चलिए, धन्यवाद है आपको।